के 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं और नतीजों के पहले राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा भी करना शुरू कर दिया है। उज्जैन में शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कंप्यूटर बाबा पर हुई कार्रवाई पर कहा कि जो भी अवैध तरीके से अतिक्रमण करेगा उस पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी जो स्थानीय ही हैं, मंत्री जी कल उपचुनाव के नतीजे आने वाले, क्या लगता है कितनी सीटों पर बीजेपी की जीत होने वाली है? निश्चित रूप से भाजपा यश की रथ पर सवार होकर के अपने परचम विजयी फहराने जा रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अधिकतम सीट भाजपा जीतेगी। यद्यपि लोकतंत्र में चुनाव के बाद ये कहना कठिन जाता है, लेकिन हम सबको मालूम, आपके सर्वे बता रहे हैं, माहौल बता रहा है, हमारे लोग जो मेहनत करके बता चुके हैं, निश्चित रूप से भाजपा बहुत अच्छे रिकॉर्ड मतों जीतने वाली है। सिंधिया गुट के कितने मंत्री जीतने की उम्मीद करते हैं आप? ये गुट वाली बात तो कांग्रेस में जब तक थे तभी गुट की बात थी, भाजपा में तो एक ही गुट है, कमल का फूल। इसलिए भाजपा में सिंधिया जी हो, शिवराज जी हो, नरेंद्र सिंह जी हो, अब किसी की ऐसे कोई व्यक्तिगत नाम का कोई बचा नहीं है। हम सब भाजपा के सिपाही और भाजपा के नाते से भाजपा बहुत अच्छा प्रदर्शन करने। कल कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर बड़ी कार्रवाई बीजेपी के द्वारा हमला जामी पहना गया है, ऐसे समय में पहना है जब चुनाव के नतीजे आना बाकी है और कहीं ना कहीं आपकी पार्टी ने ही उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, तो आखिर ऐसी कार्रवाई को अंजाम क्यों दिया गया आपके द्वारा? देखो, किसी को राज्य मंत्री का दर्जा देना, मंत्री बनाना, मुख्यमंत्री बनाना, नेता प्रतिपक्ष बनाना, ये पार्टी करती आई है, लेकिन बनने वालों के बाद उनके अपने व्यक्तिगत चरित्र पर निर्भर करता है कि वो कितना कानून का पालन करते हैं। अगर वो उस कानून के हिसाब से चलते हैं, संविधान के हिसाब से चलते हैं, तो कौन किस पर कार्रवाई होगी? हमारा तो अधिकांश समय विपक्ष में निकला है, हमने विपक्ष के सारे हमले झेले, विपक्ष ने जो जो तकलीफ उठाना चाहिए थी भाजपा में कांग्रेस के नाते से हमने सबने उठाई थी। आएंगे इसी समय कल आपकी पार्टी या कांग्रेस की पार्टी में विजय रथ पर सवार होंगे, एक मोटा आंकड़ा कितना होगा कि आपकी कितनी सीटें आने की उम्मीद है? फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि चुनाव में मत डलने के बाद अब आकलन करना, इसमें ज्यादती होगी, नहीं बाल कितने ठेरा भी सामने आते, कल शाम तक इस समय तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, इसमें उतावल क्या है। भाजपा निश्चित रूप से अधिकांश सीटें जीतेगी। बिल्कुल, उच्च शिक्षा मंत्री का भी यही दावा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की ओर है और अच्छी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं इस उपचुनाव में भारी मतों से जीतेंगे। गगन परियार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़।